खुदा करेगा मेरे लिए जो भी करेगा खुदा करेगा मेरा अपनी लड़की को मैं नौकरी पे लगवा के दूंगा ना इसको मैं लेने गया वहाँ पे मैं इसको ये कहता तू जितना भी पढ़ सकती है उतना पढ़ हम ध्याणी करेंगे मजदूरी करेंगे सब

और एक लड़की है जो भोपाल तय नेशनल बाल रंग प्रतियोगिता में जो फर्स्ट रैंक प्राप्त करके कर, कर ले आई है पूरा हरियाणा में है जो पहला नंबर पर आई है इनका पूरा ग्रुप था जो भोपाल में गया था डांस करने खातर और डांसिंग में है जो इस लड़की ने सिंगिंग करी थी तो भाई सिंगिंग में जो इसने फर्स्ट रैंक है जो प्राप्त कराया है इनाम भी जो अच्छा खासा मिला है परिवार भी हमारे साथ में मौजूद है भाई और लड़की भी हमारे साथ में मौजूद है तो लड़की तो बात करेंगे भाई किस तरह के जो इन्हे तैयारी करी कड़ते तैयारी करी है और जो कहाँ थे जो प्रतियोगिता में जीत के आई है फर्स्ट रैंक जो प्राप्त कर करके आई है तो भाई परिवार हमारे साथ में मौजूद है और यो वगैरह है भाई उस लड़की का इस घर में वो मौजूद है तो भाई अंदर चलो कैमरा मैन साथी ने कहूँगे गल गले अंदर हो भी और यह लड़की बैठी है इस तो बात करेंगे और परिवार भी भाई देखो मौजूद है यहाँ पे इन तो बात करेंगे तो भैया वह लड़की है जो भोपाल बाल रंग प्रतियोगिता में फर्स्ट रैंक सिंगिंग में प्राप्त इस तो बात कि 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 जो कैसे के करी और परिवार का है जो, कि, कितना है जो इसने मिला तो राम राम भी भी। राम ठीक सर अच्छा नाम के तेरा वर्षा वर्षा कौन सी क्लास में पढ़े प्लस बता दे जो प्रतियोगिता हुई थी वो कड़ो हुई थी वो भोपाल में हुई थी मध्य प्रदेश वो हाँ जी। और कौन सा जो आपने पोजीशन प्राप्त हुई वो हमारी फर्स्ट पोजीशन नहीं थी हाँ जी। और कौन -कौन गया था आपके साथ के और जिन्होंने जो, जो, हाँ जो ग्रुप था आपका कितने ग्रुप मतलब कितने थे उसमें हम तेरह तो बच्चे थे तीन सिंगर थे दस डांसर थे और बाकी पांच म्यूजिशियन थे बाकी हमारे और सिंगर कितने थे सिंगर हम तीन थे और पोजीशन आपको फर्स्ट प्राप्त हुई हाँ तो तैयारी है जो आपने कैसे क्या करी थी तैयारी हमारे सर ने करवाई थी और छह महीने लगातार हमने प्रैक्टिस की है उसके बाद ही हमारा ये रिजल्ट आया तो तैयारी आपने कोई सी क्लास ज्वाइन करी थी या फिर वैसे

उसके बाद फिर हम नेशनल पे गए तब भी फर्स्ट लिए अब हमारे टीचर भी हम पे प्राउड फील करते हैं हाँ जी और किस किस स्टेट में गए आप हम कैथल में गए थे उसके बाद फिर यहाँ कुरुक्षेत्र हुआ था तब गए थे उसके बाद फिर सीधा भोपाल गए थे हाँ जी और अब कहाँ की तैयारी हाँ अब तो अब तो प्रैक्टिस चल रही है बस अब जहाँ भी मतलब कि कोई भी गणतंत्रता दिवस पे जैसे ऐसे जो फेस्टिव जैसे फेस्टिवल आते हैं इन पे मतलब की कोई इनवाइट करेगा तो उनके वहाँ जाके वो करेंगे डांस परफॉर्मेंस तो ये बात और बताओ मन जैसे परिवार का आपको कितना सपोर्ट मिले परिवार का मेरे का पूरा सपोर्ट था कौन कौन आपको परिवार मम्मी है पापा है बहनी हैं और एक भाई है छोटा हाँ जी देखो जैसे प्रैक्टिस करते होंगे देखो नेगेटिव भी भी बहुत बहुत और पॉजिटिव ये सुन किसको आपने मतलब किसने आपको प्रोत्साहन दिया सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा तो मेरे घर वालों ने दिया है क्योंकि क्योंकि काफी लोग तो ऐसे होते हैं अपनी बेटियों को आगे बढ़ने भी देते पर मेरे बात अभी तक मेरे को आगे बोला कि और आगे बढ़ना है उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया है पूरा मतलब तो परिवार का जो आपको फुल सपोर्ट मिला हां जी पूरा सपोर्ट मिला मेरी फैमिली का तो भाई लड़की तो हमने बात कर ली लड़की तो लड़की का नाम है वर्षा इवन इसके मम्मी पापा है जो उन बात करेंगे कि जो देखो लड़कियां दबा कर रखना चाहवा आज का समाज जैसे बहुत सारे हैं जो सपोर्ट भी कर रहे हैं लेकिन बहुत सारे हैं नेगेटिव सोच के भी बहुत है और पॉजिटिव सोच के भी बहुत सारे हैं तो भाई अंकल जी हमारे साथ में मौजूद है इन तो बात करेंगे एक बार स्टॉप कर ले बैठ कर बना ले हाथ का नमस्कार नमस्कार नाम क्या आपका चिंदर तो वर्षा वर्षा की हो। हाँ, की मम्मी मम्मी हो प्राप्त करे है। कि, कितनी बहुत हो, हो बहुत ज्यादा खुशी मैंने सपोर्ट भी बहुत करया। का उसका खुदा का नाम लेके मैंने आगे वो कर मेरे बच्चे काम जाब में बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा खुशी है मेरे को

ਮਨੇ ਚਾਰ ਲੜਕਿਆਂ ਕੋ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੈਂ ਪੜਾਇਆ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੰਧੂ ਕੰਮ ਕਮ ਕਰਾ ਉਸ ਤੋ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਦੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਨਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਨੇ ਕਿਸੇ ਕੈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੈ ਨਹੀਂ ਮਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰੀ ਮਨੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪੂ ਮਨੇ ਪੜਾਉਣੀ ਆ ਬੱਦਸਾ ਕੋ 12ਵੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆ आगे पर मैडम नाम भी गया का फोन आया टाइप जमा करा दो नहीं बढ़ानी मैंने टाइप भी जमा मेरे पड़ोस का छोरा मैंने मैडम को गले बात करी मैं नहीं बरसा को पढ़ा फिर मैडम का फोन आया दो लेबर ते गई पे कैथल गई है गई आगे उसमें भेजना मैंने कहा मैं मैं भेजूंगी ਮਨੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਮਨਾ ਕਰ ਇਸਕਾ ਡੈਡੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾ ਚੋਰੀ ਕੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਭੇਜੇ ਤੋ ਕੰਮ ਬੇਬੇ ਜੈ ਸੁਣ ਮੈਂ ਕਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੋ ਸਕੂਲ ਮੇ ਭੇਜੂਗੀ ਮਨੇ ਭੇਜਦੀ ਸਕੂਲ ਮੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਸ ਮੈਂ ਲੈ ਗਏ ਫਿਰ ਉਸ ਮੈਂ ਭਾਈ 타ਗੀ ਸਾਰੇ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਗੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਕਾ ਤੋ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾ ਜੋ ਇਸਨੇ ਪੜਾਣ ਕੀ ਨਾ ਕਰਾਤੇ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਕ ਕਾ ਉਹਨਾਂ ਕਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆਵੇ इब, इब सारे खुश हो रहे हैं ठीक कर तो बढ़ा ले इब कह कर बारहवीं करा ले आगे मेरा बहुत सहयोग रखूंगी मैं आगे बारहवीं कराऊंगी आगे लेबर आते ले। उन खातर मैं इसका पूरा सहयोग दूंगी कितने बच्चे आपके पास है? मेरे चार लड़कियां जसन सब तो छोटा ग्यारह साल का ग्यारह साल का लड़का हम्म और वर्षा कौन नंबर पे वर्षा तीसरे नंबर पे है हाँ दो लड़कियां के साथ भी रही है दो लड़कियां की शादी हो रही है वो ने को भी बारहवीं पढ़ाई है मैंने बहुत मुश्किल में अब तैयारी करके कर इसका पापा बहुत बीमार सा सातवीं में जब बीमार हो गया सी डैडी कर कर, कर पढ़ाए मतलब हाँ, हाँ। तो भाई देखो माँ बाप है कितने इमोशनल हो रहे खुशी के आंसू है जो फिलहाल आप इनकी आख्या में देखन लग रहे हो एक खुशी भी है भाई और देखो एक नेगेटिव समाज में बहुत ज्यादा है पॉजिटिव तो बहुत कम हुआ है लेकिन नेगेटिव है ज्यादा है लड़कियां लड़कियां तो पढ़ाने के बारे में अगर कोई लड़किया गबड़ है ना तो उसने दबा कर रखना सोचा है लेकिन इन जो दिहाड़ी करके अपने बच्चे पढ़ाए भी हैं और अपनी बच्ची को अदर स्टेट में भी भेजा है भाई तो अंकल जी हमारे साथ में मौजूद है वर्षा के पापा है इन तभी बात करेंगे की कि कितनी खुशी इन न हो रही है नमस्कार अंकल जी नमस्कार

एक मरी लेवल पे पूछा कर दिखा बेटी पर उस मेरी लड़की ने ऐसा ही कर दिया अपनी लड़की को दबाया नहीं हम कहते खुल के चल दुनिया कुछ भी कहे हम उस की कोई परवाह नहीं लड़की को लोग कहते ये वो जाएगी पहले मेरा भी मैं सही का मैं गलत नहीं कहूंगा मेरा भी मैं ऐसा था अदर स्टेट में जाएगी पता नहीं कैसे नहीं। स्टेट के लोग हैं कैसा बीमार होगा बच्चों के साथ कैसा नहीं तो उस चीज को फिर ये मेरे को कहने लगी बच्चों के साथ उसकी खुशी है उसका मन है ना तो जाने दो पता क्या अंकल माँ बाप की परवाह हो या बच्चा खातर दबा कर नहीं रखना चाहते बच्चे एक दुनियादारी एक दुनिया ऐसी बन गई है जी हाँ बिल्कुल ये सोचना भी पड़ता है बिल्कुल क्योंकि लड़की जवान होगी तो उसके लिए भी सोचना पड़ता है क्योंकि हम देखते क्या कुछ हो रहा यूपी में क्या हो रहा मध्य प्रदेश में क्या हो रहा भोपाल में क्या हो रहा गुंडागर्दी रेप के मामले ये वो हो रही है चलो ठीक है दो स्टेट में जाए हरियाणा में अपने हरियाणा ही था तो कच्छल में गई कच्छल में फर्स्ट आ गए कुलछत्तर गयी कुल में फर्स्ट आ गए उसके बाद में फिर ये कहा पापा भोपाल जाना है जाओ। कुछ दिखाना बस। और कोई बड़ी बात नहीं कुछ करके दिखाई हो जब मैं इसको लेने गया जिस दिन की गाड़ी आई तो इनको फूल के आ रहा लादा हुआ था स्कूल अच्छा। वालों ने तो सब देख रहे थे जब ये आ रही थी ना मेरे पीछे मोटरसाइकिल पर बैठ कर तो ये सब लोग जितने हमारे राजों के लोग सब इसको आछलो लाके वेलकम करने थे अच्छा ते बहुत नाम कमाया खुशी मत छत्तीपटन हो गयो गे अंकल मैं तेरा पूछो बस तो घरा का नाम रोशन करा लड़के ते घर का नाम रोशन करे और लड़की जो दो दो घरा का नाम रोशन करे हम्म दो घरा का आगे नौकरी ते अपने पैरन ते खड़ी होना है हो सके इस तरह सोच रखा मैंने इसको को तो जरूर करूंगी। दो लड़कियाँ को पढ़ mm. 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 के उनको खड़ा कराया गया ठीक हो गया तो फिर भी वही बात कुछ शरीर में कमजोरी आ गई mm. मेहनत मजदूरी करने से अब मनरेगा का काम मिलता है ਉਸ ਮਤ 300 400 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੂਬਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਦੋਨੋਂ ਮਰਦ ਭਈਏ ਉਹ ਸਮਝ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਉਸ ਸੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੰਮ ਚਾਲ ਆਉਂਦਾ ਅੰਟੀ ਜੋ ਆਪਨੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪ ਜੋ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੋ ਪੜਾਓ ਲਿਖਾਓ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਦਿਓ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਵੇ ਕਈ ਰੋਕ ਰਹੇ ਆ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਆ ਤੁਮਨੇ ਖੂਲ ਦੇਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਹਦੇ ਤੁਮਨੇ ਤਾਂ ਖੂਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀਆਂ ਕੋ ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਭਾਈਓ ਨੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਪੈਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਭਾਈਓ ਨੇ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹੀ ਤੁਮਨੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਕੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਘੂਮ ਤਲਕਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆ ਜੋੜਦਾ ਹੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਤੰਗ ਮਤ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਵੈਸਾ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਬਿਲਕੁਲ और कहा बेटा नाम रोशन करो माँ बाप का तुम्हारे को पता अभी इससे छोटी है मैं उसको भी यही बोलता हूँ पढ़ाई में बहुत तेज है वो मैं उसको भी कहता हूँ किसी चीज में भाग ले अभी हम सोचते हैं कि प्लस टू कर जाएगी तो अगर कोई सरकार की तरफ से कोई मदद मिले जिसके सर्टिफिकेट के आधार पर तो तब भी ठीक है नहीं तो मैं इसको रेलवे में सोचता हूँ कि इसको नौकरी लगाऊंगा किसी तरह भी भाग दौड़ करके मेरे पास पैसा तो किसी को देने के लिए है नहीं ना में दे सकता मेरा खुदा करेगा मेरे लिए जो भी करेगा खुदा करेगा मेरा अपनी लड़की को मैं नौकरी पर लगवा के हंसूंगा रेलवे में बहुत आदमी ने मेरे को कहा लड़की के फार्म भर दे हम सपोर्ट करेंगे बड़ी मेहरबानी आपकी आपने इतनी बात कही कि रेलवे में हम सपोर्ट करेंगे मैं कहता हूँ लग जाए अपने पैरों पे खड़ी होएगी हम इनकी कमाई की जरूरत नहीं है अपने घर में जाके स्टैंड रहो बस यही सोच हमारी और एक इंसान को ये कहता हूँ लड़कियों को जो भी कार्य करते हैं उनको रोको मत करने दो क्या पता उनकी किस्मत में क्या कुछ लिखा अब लड़के के लिए लोग इसको इसको ये ट्रेनिंग करा दो, इसको वो ट्रेनिंग करा करा दो दो वो अगर कल को लड़का जूते मारने लग जाले, फिर भी माँ बाप ना बिल्कुल ऐसी बिल्कुल। बिल्कुल नाबा में ब्या है पंजाब में एक लड़की यही है में लोकल उसने लव मैरिज करी है हमने कहा नाराजगी नहीं होनी चाहिए लेकिन एक बात का ध्यान रखना बेटा कल को चले को कुछ दुख तकलीफ होगी तो मैं उसका स्वीकार नहीं।, नहीं जो बात है हम तो दिल भी करते हैं आती है जब भी आती है उसका दिल करता है बैठ खोल ले कुछ भी मतलब घर में चीज उसको पसंद आनी चाहिए ये ले लो मम्मी ये ले लो डडी ले लो थैंक यू दादा आपका बाय वर्षा था आप बात करेंगे तो वर्षा एक बात और बता जैसे कुछ इनाम राशि भी मिली आपने हाँ जी इक्यावन हजार रूपए मिले थे और इसके अतिरिक्त तो? इसके अतिरिक्त ट्रॉफी थी एक हमारी हाँ जी, हाँ जी। और कुछ सर्टिफिकेट भी मिल रहे हो सर्टिफिकेट भी मिले एक बार दिखा दे सर्टिफिकेट और कहाँ तक मिले और ये नेशनल लेवल का है तो भाई एक बार जूम करके दिखा दे उसने पास तो दिखा दो राष्ट्रीय बाल रंग प्रतियोगिता दो जो अभी भोपाल के तो उसका और ये ये, ये, ये स्टेट लेवल कुछ अच्छा, ये कुछ ये का का है तो लास्ट में क्या कहना चाहोगे जो आपने देख लग रहे दर्शक तो लास्ट में क्या कहना चाहोगे वर्षा आप जो आपने दर्शक देखने लग रहे हैं मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी जैसे मेरे माँ बाप ने मेरे को मतलब पूरा सपोर्ट किया है वैसे ही सारी लड़कियों को उनके माँ बाप भी सपोर्ट करें और उनको पूरी खोल दें और जैसे मतलब कि उनके माँ बाप उनको खोल देते हैं तो वो लड़कियाँ उनका गलत यूज ना करें कि मेरे माँ बाप ने तो मेरे को पूरी खोल दे रखी मैं ये करूंगी वो करूंगी बस लिमिट में रहें अपनी मतलब कि जितनी खुल दी है बस उत में ही रहें कि ज्यादा ओवर ना हो वो बस इतना ही कहना चाहूँगी आप गए भोपाल स्टेट में आपको भी कुछ नेगेटिव भी कहने वाले मिले होंगे कहने को तो सारे सारे बोलते हैं कि मतलब कि 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 मतलब मतलब लड़की बाहर बाहर जा रही है है तो 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 ऐसे माहौल होएगा 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 वैसे बल्कि सुन मैंने सुना नहीं किसी का भी खुद मतलब खुद सही सही हो तो दूसरा कोई क्या बोल सकता बस खुद रहना चाहिए सही, बाकी तो सारे बोलती है, वो तो उनकी तो सुननी भी नहीं चाहिए वैसे। तो एक बात और बताओ वर्षा का व्यवहार कैसा है बहुत सही से बोलती है सबके साथ सही रहती है मसीह गाने थे, में मसीह बाइबल में उसमें ला रखी है मैंने रोज दुआ कराऊं मैं तो मसीह गाने बहुत अच्छे गाती है बहुत अच्छी बाजा सारे इसको भी माई भाई है, की आवाज़ तो है अच्छी एक एक बार गाना और इस पे, गाना रह गया था वर्षा एक गाना सुना दे बढ़िया सा दो चार लाइन तो दो दो सुना, दो दो सुना कोई आपके गारे, पसंद गारे, का हो ना जो देखा ਆਪਕੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜੋ ਆਪ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਯੇਸ਼ੂ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਯੇਸ਼ੂ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਕਦਮ ਚੁਮਾਉ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲਾ ਕਦਮ ਚੂਮਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ ਆਪਨਾ ਤੋ ਠੈਕ भाई देखो वर्षा की आवाज में है जो गड़म है साक्षात सरस्वती माँ विराजमान है तो भाई आप भी बताइए जो आपने वर्षा की आवाज़ कैसे लगी और वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना एक गरीब परिवार की बच्ची है जो भोपाल में गई है और फर्स्ट रैंक है जो इसने प्राप्त कराया डांसिंग में सिंगिंग करी थी इसने और इनका पूरा का पूरा ग्रुप है जो भोपाल में गया था तो भाई आपने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद वंदे मातरम